एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू अ गिवन प्लेन। देखो ये प्लेन है जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, ये जिसकी जो हमें ऑप्शन में ढूंढना है। ये प्लेन जो है इस प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। इस प्लेन पे कोई एक पॉइंट तो हमें गिवन होगा, ए गिवन है, यानी कि ओ ए जो वैक्टर है वो हमारे पास गिवन है। या तो ए पॉइंट पता होगा जिससे ओ ए वैक्टर मिल जाएगा, या फिर पोजिशन वैक्टर ही मिल पता होगा। देखो इस ये प्लेन हमें गिवन है, पी वन क्या गिवन है, तो सिंपल सी बात है जो इसका नॉर्मल होगा वो इस पर तो नॉर्मल होगा। एज पी इज पैरेलल टू पी वन, दोनों प्लेन पैरेलल, देयरफॉर एन वन इज परपेंडिकुलर टू पी पी वन एंड पी, एन वन परपेंडिकुलर पी वन पे था तो पी वन पे था तो पी पी होगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी, ए तो यहाँ से मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पी, पी प्लेन की इक्वेशन, आर डॉट एन वन इज इक्वल्स टू ए डॉट एन, ठीक है, ये प्लेन की इक्वेशन। अब मान लो एकदम ऑप्शन में आता है तुम्हारे पास, कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस प्लेन, तो करना क्या तुम्हें, जो पॉइंट दे रखा है वो पॉइंट सेटिस्फाई कराना है ना। लेकिन पॉइंट सेटिस्फाई कराने से पहले ना ये जो पी वन प्लेन है इसके पैरेलल प्लेन देख लेना कि है भी या नहीं है। जैसे मान लो पी वन की इक्वेशन दे रखी है, लेट इक्वेशन ऑफ पी वन बी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज जीरो, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ पी टू जो होगी, इक्वेशन ऑफ पी, पी प्लेन जो होगी, मस्ट बी ऑफ द फॉर्म ए के एक्स, या लैम्डा यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ए लैम्डा एक्स बी लैम्डा वाई सी लैम्डा जेड प्लस डी वन इज, यानी कि ये जो एक्स का कोफिशियंट है यहाँ पे, या तो ये बराबर होगा, ये ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये बी होगा, ये सी है तो ये सी होगा, या फिर यहाँ से कुछ कॉमन लेके ए बी सी बराबर हो जाएगा तभी पैरेलल होगा, ठीक है। तो पहले देख लेना चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो इसके पैरेलल है, वो तो पता चल जाएगा। उसके बाद उसी ऑप्शन में पॉइंट सेटिस्फाई करना, ठीक है। अगर पता चला तो मैं ऐसे पॉइंट सेटिस्फाई में चार जगह सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, तो एक लुक में तुम्हें दिख जाएगा कि कौन सा प्लेन उसका आंसर हो सकता है, और फिर उसमें सेटिस्फाई कराओगे तो आसानी से लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो हमसे पूछ रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू दिस, टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर जेड प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ये गिवन है। इसके पैरेलल प्लेन क्या ये हो सकता है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कोफिशिएंट सही नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें इसके पैरेलल 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल हो सकता है, ये इसके पैरेलल है। क्योंकि देखो ये 2 है, ये भी 2 है, ये 3 है, ये भी 3 है, माइनस 4 है, ये माइनस 4 है, कॉन्स्टेंट बदल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ऐसा हो सकता है, ये 2 3 माइनस 4 दे रखा है, इसे कहते हैं 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 3 6x, 3 इंटू 3 9y माइनस 3 4z 12z प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखो 2 अपॉन 6 3 अपॉन 9 माइनस 4 अपॉन माइनस 12, ये क्या आएगा बराबर, यहाँ भी क्या हो रहा था, देखो a अपॉन a लैम्डा b अपॉन b लैम्डा इज इक्वल टू c अपॉन c बराबर आ रहा था, यहाँ पे भी क्या होगा 2 अपॉन 6 3 अपॉन 9 और माइनस 4 अपॉन माइनस 12, सब किसके इक्वल आ रहा है, 1 बाई 3 के इक्वल आ रहा है। तो डायरेक्शन रेशोज जो होंगे नॉर्मल के वो क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए। बात समझ में आ गई,